अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने पूरे घर की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर की क्लीनिंग कैसे करती हूं और कौन कौन से टिप्स यूज़ करती हूं। हो सकता है कि एक होम मेकर की वजह से दूसरे होम मेकर की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं जी, जो आपने घर में कोई भी राग बिछाया हो या क्लीन बिछाया हो उसको वीकली बेसिस पे बाहर निकाल कर उसकी अच्छी तरह क्लीनिंग की जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स और डस्ट आ जाते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मोग हुई है, इसके अलावा भी जो टीवी लोन होता है वो डेली बेस पर इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि वो तो फिर बच्चों वाले घर में स्पेशली वो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने जो सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करनी होती है तो वो मैं सबसे पहले टीवी लॉन से शुरू करती हूँ। टिप नंबर टू है जी, वीकली बेसिस पर अपने तमाम सोफ़ाज़ को या जो भी फर्नीचर वगैरह टीवी लॉन में हो उन तमाम को साइड पे करके उसकी वीकली बेसिस पर क्लीनिंग की जाए वहाँ की जगह की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट, कूड़ा और जो भी पेपर्स वगैरह या कलर्स वगैरह जो भी बच्चों ने फेंका, इतना ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट वहाँ पर जमा हो जाता है। तो उसको ज़रूर साफ़ किया जाए पीछे से तमाम फर्नीचर को, जो जो भी आपने चीज़ें रखी हैं। तो मैं वीकली बेसिस पर पीछे से ज़रूर सफाई करवाती हूँ, हो सके तो वहाँ पर मैं जो पानी के साथ जो है ना वो क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि पानी से भी जो है ना जो फर्श वगैरह होता है वो बहुत अच्छा क्लीन होता है, बड़ी अच्छी वहाँ से डस्ट वगैरह निकलती है। तो मैंने जो होता है ना वीकली बेसिस पर जो अपना टीवी लोन होता है ना वो ज़रूर धुलाना होता है। तो उसके अलावा जो वहाँ की जो विंडो वगैरह होती है उनको अच्छी तरह से मैंने क्लीन करना होता है, सोफ़े वगैरह को भी झाड़ना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बात बताती हूँ कि जब भी आपने कोई क्लीन या कोई आपने रग साफ़ करना है उसमें डिटॉल का ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे बहुत जो होते हैं ना जर्म्स वो फिनिश हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर इसमें डिटॉल का आपने एक स्पून या दो स्पून आपने ज़रूर डालना है, तो फिर इसके ऊपर आपने कोई पोचा मरवाना है। टिप नंबर थ्री है, जो घर के शीशे वगैरह हैं उनको आप एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर उसको आप साफ़ करें, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा गहरे स्टेन पड़ जाए तो वो फिर जल्दी साफ़ नहीं होते। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक मिक्सचर आपके साथ जो मैंने ना स्प्रे थी वो शेयर की थी, उसमें बेकिंग पाउडर था, विनीगर था और मैंने लिक्विड उसमें यूज़ किया था। उसके साथ मैं अपने जो घर के शीशे वगैरह होते हैं ना वो साफ़ करती हूँ, उससे ये है कि जो स्टेन वगैरह होती है ना जो बच्चों के हैंड वगैरह लगते हैं या और अदर डस्ट लग जाता है तो वो मैं उससे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, और वो जो स्प्रे है वो बहुत अच्छा क्लीनिंग वाला काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर में ही क्लीनर बनाकर उससे आप इस्तेमाल करें बजाय के बाज़ार से इतने इतने महंगे स्प्रे लाने के। तो मैंने जो होता ना फिर मैंने दूसरा भी जो फर्नीचर होता है टीवी लोन का वो तमाम मैंने साइड पर करके उसको साफ़ करवाना होता है, और डस्टिंग जो होती है वो मैं खुद करती हूँ, मेरी हेल्पर मेरे साथ साथ। हेल्पर का मतलब भी यही होता है हेल्प करवाना, क्योंकि जो माएँ होती हैं छोटे बच्चों की उनको अदर भी बहुत काम होते हैं, मैंने बच्चों को भी पढ़ाना होता है। जो बच्चों को पढ़ाने वाला काम होता है ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है। जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ तो मेरे 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाते, क्योंकि आप जानते हैं जब बच्चों को घर में पढ़ाएं तो फिर बच्चे अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं पानी पिया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सिलसिला होता है। तो हेल्पर का मतलब होता है हेल्प करवाना। तो मेरी हेल्पर मेरे साथ हेल्प करवाती है, तो जो काम होते हैं ना वही हम पीछे पीछे जाकर और साथ में जो अदर काम होता है ना वो करवाना पड़ता है, टाइम उतना ही हमारा उनके साथ लगता है, लेकिन ये होता है चले थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा, टीवी लोन के बाद मैंने अपना किचन साफ़ करवाना होता है। किचन जो होता है ये तो डेली बेस पर ऐसे ही मेरा जो होता है ना वो साफ़ होता है। तो उसके बाद मैंने अपने बेडरूम की तरफ जाना होता है, बेडरूम की जो होती है ना क्लीनिंग वो मैं ना इस थर्ड नंबर पर करती हूँ। टीवी लोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आने जाने वाले भी वहीं पर बैठते हैं और बच्चों के यूज़ में भी ज़्यादा वही होता है, तो इसलिए उसकी जो सफाई होती है वो मैं सबसे पहले करवाती हूँ, देन मैं किसी अपने रूम की तरफ आती हूँ। रूम में जो बेडिंग होती है वो मैं पहले ही तमाम सेट वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरी हेल्पर है सम टाइम अगर जल्दी आ जाए तो फिर हम मिलकर कर लेते हैं। तो जो रूम की जो सफाई होती है वो इतनी ज़्यादा तो होती नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो जो ज़्यादा टीवी लोन होता है उसकी जो सफाई होती है वो वीकली बेस पर मैं बहुत डीपली क्लीन करने में रहती हूँ, ताकि इसी से तो पता चलता है सफाई से कि एक होम मेकर कितनी सलीकेमंद है। तो इसलिए जो टीवी लोन की सफाई होती है उसको बाकायदगी से करवाना चाहिए,
हेल्पर होने के बावजूद भी आपका उतना ही टाइम और उतना ही आपका जो काम है ना होता है जितना हेल्पर ना होने की वजह से होता है, क्योंकि आप बेशक उनको पीछे वॉच ही क्यों ना करें हों या पीछे पीछे उनकी हेल्प ही क्यों ना करवा रहे हों, उतना ही आपका मैक्सिमम टाइम लग जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप घर से अंदर तो सफाई करवा ही रहे हैं, लेकिन घर के बाहर से भी जो आपका एरिया है उसको साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाहर से हमारा घर साफ़ दिखेगा तो देखने वाले ये भी कहेंगे कि हमारा घर अंदर से भी साफ़ है। तो अगर मैं अंदर से अपना घर वॉश करवा रही हूँ तो मैं बाहर से भी वॉश करवाती हूँ, और जो डेली बेस पर अंदर से झाड़ू लगता है तो मैं बाहर से भी ज़रूर लगवाती हूँ। तो ऐसे जो ये टिप है ये बड़ी कारामद है। तो आपने अगर अपना घर अंदर से साफ़ करवाया है तो बाहर से ज़रूर साफ़ करवाएं। मेरी नेक्स्ट जो टिप है ये बहुत ज़रूरी है। वो होम मेकर जो मेरी तरह पौधे रखने की शौकीन है या ख़वातीन जो ये घर में प्लांट्स रखती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन फ्लावर पॉट्स के नीचे ऐसे मैट ज़रूर रखें, क्योंकि मैट ना रखने की वजह से जो ये फ़्लावर पॉट्स का पानी होता है या इसकी वजह से जो स्टेन होते हैं वो बहुत हमारे फ्लोर को गंदा कर देते हैं, और जो स्टेन होते हैं वो इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो जाते नहीं हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लोर से चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो फ्लोर होता है ना बहुत गंदा लगता है। तो आपने ये नीचे मैट ज़रूर बिछाने हैं और जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनको साइड पर करके उनसे सफाई ज़रूर करवाएं। ये देखें, इससे नीचे इतनी मिट्टी और जो पत्ते वगैरह होते हैं और जो दूसरा डस्ट होता है वो इतना नीचे से निकलता है। तो मैं डेली बेस पर ये फ्लावर पॉट्स की सफाई तो मैं डेली बेस पर ही करवाती हूँ उसको पीछे करवा कर। ऐसे जो घर होता है वो नीट क्लीन रहता है, और उसके बाद मैं जब फ्लोर हम वॉश कर लें तो फिर ये पोचा या जो मोप है मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। इससे जो फ्लोर होता है बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाता है और स्टेन वगैरह नहीं पड़ते। ऊपर वाले जो पोर्शन की क्लीनिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कमिंग सून किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। जब पूरे घर की जो क्लीनिंग है हो जाए तो लास्ट में जो मेरा वॉशरूम होता है मैं उसको वो क्लीन करवाती हूँ। जो वॉशरूम होता है वो आप डेली बेस पर इसको क्लीन करवाएं, वो इसलिए कि ये तो यूज़ होता ही बहुत ज़्यादा है। तो जो वॉशरूम होता है अगर हम इसको डेली डेली वॉश करवाते हैं इससे ये होता है ज़्यादा गंदा नहीं होता, और जो डिफरेंट डिटर्जेंट है हमें वो वॉशरूम में यूज़ नहीं करने पड़ते। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।